आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से ग्रसित है। आज हमारे देश का प्रत्येक नागरिक कोरोना जैसी महामारी का जड़ से खात्मा करने के लिए सक्षम है, एकजुट है। आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों द्वारा लॉकडाउन के सभी नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। आज हमें ज़रूरत है तो अपनी जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी छोटी गतिविधियों को अपने जीवन में अमल करने की ज़रूरत है। मास्क और सैनिटाइजर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की ज़रूरत है और एक निश्चित दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है जिससे हम बीमारियों के सीधे संपर्क में ना आ सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रिकॉन्क्यू इकाई द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है नो मास्क नो सर्विस का, जिसके तहत आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल मोड़ के आसपास रिकॉन्क्यू पूरे बाजार में और बस स्टैंड के आसपास सभी दुकानों में नो मास्क नो सर्विस के पोस्टर लगाए और सभी दुकानदारों से ये अपील भी की कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास बिना मास्क के आता है तो आप उन्हें सामान ना दें और जागरूक करें, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और अगली बार जब भी वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहनकर ही निकलेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रिकॉन्क्यू इकाई आप सभी से ये निवेदन करती है कि आप मास्क पहनकर ही घर से निकले, लॉकडाउन के सभी नियमों का अच्छे से पालन करें और छोटी छोटी स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों को अपने जीवन में अमल में लें। संयम बनाए रखें, सुरक्षित रहे, घर में रहे, स्वस्थ रहे।